मुंडन करवाते हुए एक अनोखा प्रदर्शन जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। और गवर्नर हाउस के बाहर जो है एक अनोखा प्रदर्शन की बात करते हैं कि मुंडन करवा कर किस सरकार को नींद से जगा सकते हैं। और इनकी जो है बहुत सी मांगे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के बाद कहा गया था कि जितने भी देशों में जो ओबीसी समाज को हक दिया है वो इन्हें भी दिया जाएगा, लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं ये पीछे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है वो आप प्रदर्शनों का दौर जो है वो जारी देख ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है वो आज गवर्नर हाउस के बाहर, पहले जो है मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि बिल्कुल गवर्नर हाउस के बाहर पंचतीर्थी में जो है यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो ओबीसी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि लगातार जो वीकर सेक्शन है उसे जो है यहाँ पर जो है वो पछाड़ मिल रही है, यानी वो कब से पीछे है। हालांकि अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट बनता है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया था कि 370 और 35A के बाद जो है यहाँ पर जिस तरह से जितनी भी अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं, जिस तरह से जितने भी देश में अगर बात करें तो ओबीसी वालों के राइट्स हैं वो यहाँ पर भी जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि वीकर सेक्शन जो है वो वीक ही है, उसे जो अपलिफ्ट करने के लिए कहा गया था ऐसी अपलिफ्टमेंट जो है वो यहाँ नहीं है। तो आज जो है ओबीसी मोर्चा जो है आज सड़क पर है और मुंडन जिस तरह से कहते हैं वो भी उन्होंने करवाए हैं ताकि सरकार जो है वो सोई हुई जाग जाए। और मैं आपको कुछ बार दिखा दूं जहां पर वो पड़े हुए हैं, तो आप तस्वीरों से जो है वो देख सकते हैं किस तरह से जो है उन बालों को कटवा दिया गया है, ये भी हम आपको जो है वो तस्वीरों से दिखा रहे हैं। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पर हैं और आपने एक अनोखा प्रदर्शन करके सरकार को जगाने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी रिजर्वेशन की मांग जो है वो काफी समय से कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जब तक एलजी गवर्नमेंट की, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की और होम मिनिस्ट्री की, सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल जाती और हमारे अधिकार हमारे तक नहीं पहुंचते, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। आज हमने मुंडन तक इसलिए करवाया कि एलजी प्रशासन को थोड़ी सी शर्म आए, अगर उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती तो हमने चेतावनी दी है कि एलजी साहब के अंदर आके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, इनको जगाएंगे और अपनी मांगों को लेके रहेंगे। और आप, हमारी मांगे क्या है ये हमने ज्ञापन पत्र में पूरी लिखी हैं। हमारी 12 से 13 मांगे हैं, जो जिसमें मुख्य हमारी जो मांगे हैं वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है, ओबीसी के नॉमी क्लेचर को यहाँ पे लागू करना है, 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत हमारी बनती है वो लागू करना है, और सेंसस रिपोर्ट में हमारे लिए कॉलम जो जातिगत जनगणना है, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेके वो लागू करवाना है, ये हमारी मुख्य मांगों में रहेगा। मांगे बहुत सारी हैं लेकिन ये जो 3 मांगे हैं हमारी जो वो मुख्य रहेंगी, यही इसी विरोध में हम यहाँ पे आज एलजी प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ज्ञापन पत्र सौंपेंगे, उसके बाद भी अगर होश नहीं आती तो बड़ी शर्मनाक घटना होगी, उसके बाद इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। दसवां बनाएंगे। हाँ, 370 और 35A के बाद कौन से हक और हुकूक हैं जो आपको दे दिए गए हैं, जिस तरह से अगर हम पूरे देश की बात, नहीं दिया गया पूरे, एक भी नहीं दिया गया। हाँ, मुझे लगता है कि 300 से ऊपर जो सेंट्रल लॉज हैं वो यहाँ पे आईपीसी को लेके लैंड लॉज जो थे वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए, यहाँ पे लागू हो गए। सिर्फ एक अन्य पिछड़ा वर्ग का कानून था जिसको मंडल कमीशन रिपोर्ट कहते हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ। ओबीसी एक नॉमी क्लेचर है जो पूरे भारतवर्ष में मिलता है, हमें यहाँ पे ओएससी दिया जा रहा है, अदर सोशल कास्ट, वो जो हमें कतई गवारा नहीं है, हम वो इसका ही विरोध प्रदर्शन करते हैं। सेंसस रिपोर्ट 2021 और 22 की जो मतगणना है, जातिगत मतगणना, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को कॉलम नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है, इसी का हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ। एलजी हाउस के बाहर जो है कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने जो है आज प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन को अनोखा इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मुंडन करवा के यहाँ पर सरकार को जो है वो नींद से जगाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से जो सेंटर की सरकार है, मौजूदा सरकार जो सेंटर में है, वो ये लगातार कह रही है कि ओबीसी, यानी जितने भी ओबीसी मोर्चा की अगर हम बात करते हैं, जितने भी ओबीसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है वो उनके हक दे दिए गए हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की रियलिटी आप देखते हैं यहाँ पर कुछ और ही सिद्ध होता है कि जितने भी वीकर सेक्शन है उसे अपलिफ्ट करने के लिए कहा तो जाता है, लेकिन उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है काम नहीं किया जाता। लेकिन इनका मेन इशू जो है इनके मंडल की रिपोर्ट है, जिस तरह से अगर बात करें तो इनका ये कहना है कि वहां पर जो है एक कॉलम हमें भी दिया जाए। और साथ ही साथ इनकी 12-13 अन्य मांगे हैं, लेकिन ओबीसी समाज की बात करते हैं, एक महारैली निकाल कर भी उन्होंने सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये मेमोरेंडम सौंपने वाले हैं, एलजी हाउस के बाहर है और मेमोरेंडम देंगे, तो क्या उसके बाद में जो है इनकी मांगे पूरी होगी, तो देखते हैं कितनी जल्दी जो
ओएन की मांगों पर सुनवाई होती है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्बुलेटर न्यूज़। आशा खान का तालाब।